कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस से कह रही है कि मोदी सरकार ने जो वादे पूरे किए थे उन वादों को निभाया नहीं है, तो वहीं मौजूदा सरकार तैयारी में है कि कैसे श्वेत पत्र लाकर पिछली सरकार को एक्सपोज किया जाए, उसकी गलतियों को देश के सामने रखा जाए। अब बयान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का सामने आ गया है। उन्होंने जानकारी दी है कि आज संसद में श्वेत पत्र लाया जाएगा, आज संसद में श्वेत पत्र रखकर जो मनमोहन सरकार की नाकामियां थी वो देश के सामने रखी जाएंगी, और साथ ही साथ आज ही श्वेत पत्र पर चर्चा भी होगी, यानी जबरदस्त घमासान सदन के अंदर देखने को मिल सकता है। हमारे वित्त मंत्री जी ने जब अंतरिम बजट पेश किया था उसी का ये पार्ट था कि 2014 में इन्होंने कैसी इकोनॉमिक सिचुएशन देश के सामने छोड़ी थी उसका जिक्र करना जरूरी है। तो उसी क्रम में, उसी सिलसिले में ये पूरा निर्मला सीतारमण जी जो आपको सब्जेक्ट ध्यान में आया है उस पर कल फाइनेंस बिल पास हुआ है, आज हमारे यहाँ लोकसभा में 2-3 बिल हैं और वो व्हाइट पेपर वाला विषय भी आज चर्चा में रहेगा।